यशोमती मैया के नंदलाला। लगता है तुम भूल गई हो, अश्विन पूर्णिमा आज ही है। रात हो चुकी है और थोड़ी ही देर में सभासद आने लगेंगे। ये सब अपने महाराज से मिलना चाहते हैं ना, तो आज ही नहीं इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। सुनो, कुछ दीपदंड बुझा दो। महल में प्रकाश कम से कम होना चाहिए, विशेष रूप से महाराज के सिंहासन के चारों ओर। श्री हरि नारायण भगवान की। मैया, यहाँ तो पूरा गांव आयो है, मेरे मित्र भी आएंगे ना? पर देख लल्ला, अधिक दूर मत ही जाना। बस मैया, इतनी दूर ही जाऊंगा कि आपका कान मेरा स्वर सुन पाए और आप से मुझे देख पाए। मुझे पता है मैया। चाह हार गए। चलो हम सब खीर का प्रसाद उनके प्रकाश में रख दे। हाँ, वहाँ क्या हो रही है? सब खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रख रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि खीर प्रसाद और अधिक मीठी और पौष्टिक हो जाए। चंद्रदेव का स्वाद मीठा होता है क्या? हाँ। और गुड़ से भी अधिक मीठा। तभी सब रात में पंछी उठ के चंद्रदेव तक जाते हैं उनकी मिठास का स्वाद लेने। मैंने अपने झरोखे से देखो है। अब जे कान्हा कह रो है तो सत्य ही हो वो। लगता है हमारे साथ आज भी उपहास होने वाला है। आज भी महाराज कंस के दर्शन नहीं होंगे। ये अनुचित है, महारानी ने आश्वासन दिया था हमें। हाँ, बिना महाराज के दर्शन के कोई वापस नहीं लौटेगा। आज हम महाराज से मिलकर ही यहाँ से जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि महाराज जीवित हैं या नहीं। हम महाराज से मिलकर ही जाएंगे। ताऊ, आपको पता है चंद्रदेव खीर को और मीठा कैसे बनाते हैं? तुम दोनों तो हमसे बड़े हो, तुम्हें पता है? मुझे केवल इतना पता है कि जब ये खीर खाने को मिलती है ना, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठी भी लगती है। लग तो है, अब मुझे ही जाके पता करना पड़ेगा। समय आ गया है कि पता लगाया जाए। च
चंद्रदेव इस खीर को मीठा कैसे बनाते हैं? काना वहाँ मत जाना, सुबह ही डांट पड़ी है, फिर से पड़ जाएगी। चिंता मत करो दाऊ, आप सब बस मेरे पीछे रहना। आज हम सब चंद्रदेव का रहस्य पता लगा के रहेंगे। क्यों मित्रों? ठीक है, मैं अकेले ही पता लगा लूंगा। केवल ऊपर से तो चंद्रदेव का प्रकाश आ रही है, कहिए कि इससे तो तुम मीठी ना हो रही। काला क्या कर रहा है? देख रहा था चंद्रदेव का स्वाद मीठा है क्या, पर इसमें तो कोई स्वाद ही ना है। चलो ना मैया। जी क्या कह रहे हो लल्ला? मैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना मैया। ये देखो मैया चंद्रदेव। आप सब हंस रहे क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। काना चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहां भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है, पर जब तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखते है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखते है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? जी तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर काना। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो? क्या कह रहे हो गाना? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने की हट करके बैठे हैं। गाना भैया सही कह रही है, चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगो जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी। तब तक तो ना आपके पास आऊंगो और ना ही प्रसाद खाऊंगो। हाँ नहीं तो लल्ला। अब मैं इसे चंद्रदेव कहाँ से लाके दूं? प्राप्ति अब तुम क्या करोगी? कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर है, और कुछ सवा सदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे।
प्राप्ति, वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ छल है ये, हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? संभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं, तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूँ, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी सुन, मैया जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगा। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला, आजा ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? आ लल्ला। चंद्रदेव चाहिए ना? चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? चले चंद्रदेव। जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन? चंद्रदेव कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है। पर चंद्रदेव तो चुप। मुंह मीठो करना है तो मुंह बंद करना होगा। आजा लला खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लला, पहले आसमान में सच्ची के चंद्रदेव, फिर इसमें और अब मेरे हाथ में। मैया मैं इनका साथ चख लूं। कान के गोले को तो चख ही सकते हो लल्ला। मैया ये तो सच्ची में बहुत मीठा है।
मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं? अवश्य लल्ला, अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। जा। आज तो खान की गेंद ने बचा लो, चले। महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे, और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए, ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। मीठे और स्वादिष्ट थे चंद्रदेव, एक बार और मिल जाते तो अतिथि अंदर जा जाते। इसमें देखो चंद्रदेव है, मैया के हाथ में आ गए थे, तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? लल्ला जी, आओ ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मुझसे न प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर, सदानंद जी पाठ सुनाने वाले, तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में। अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। मां लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई,
पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का माँ अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए, तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यही आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो कान्हा कहाँ गए हो? दिख नहीं रहा है। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे। प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए कौन है वो मेरा विशेष भक्त? संकोच मत करो, सामने आओ। मैं देखना चाहता हूं अपने उस विशेष भक्त को, गले लगाना चाहता हूं। ओ अकला सर, तो तुम हो मेरे वो विशेष हितैषी? अरे मेरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। मुझे देख लिया ना अच्छे से अकला सर? अब पहचान भी लो। हो गए मृत्यु के दर्शन अकला सर, संतुष्ट होना।
प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा? वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोके से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है, है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है। यदि अगली बार किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर, जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की, ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता, इसलिए चला आया आपके पास आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा, कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने। चल। महाराज कंस ने भरे दरबार में अपने सभासद मित्र की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो अभागा तपस्या में लीन महाराज के दर्शन की मांग कर रहा था। देवकी,
देवकी, उठो देवकी, देवकी, देवकी तुम्हें क्या हो गया? उठो देवकी, उठो। चंद्रदेव वहां है। पल भर को मुझे लगो आप कान्हा के सामने हाथ जोड़ रहे हो। नहीं वो मैं हाँ हाँ पता है मुझे, आप चंद्रदेव को प्रणाम कर रहे थे। सब आ जाओ चंद्रदेव के दर्शन के लिए। प्रणाम कर लल्ला। चंद्रदेव के दर्शन हो गए, अब चलकर अश्विन पूर्णिमा के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो। सबसे पहले खीर मिलेगी बालकों को। कान्हा तेरी टोली कहाँ है? मैया मेरे सब सखा तो सो गए। सब नहीं सोए कान्हा, मैं जाग रहा हूँ। छोटी माँ आपने कहा था ना कि कान्हा का ध्यान रखना। जब आप कान्हा को अपने साथ ले गई थी तब मेरी आंख लग गई थी। कोई बात ना है बलराम, तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया अच्छा बालक क्या फोटो है? क्या मैं अच्छा बालक ना हूँ? तू और तेरे प्रश्न। बहुत समय हो गया लल्ला, घर ना चलना है। चल चल आजा। सो जा, आजा। मैया बताओ ना अच्छा बालक किसे कहते हैं? कितनी रात हो गई है लल्ला, अभी विश्राम कर, गहरी नींद सो जा। कल जो पूछना है ना सब पूछ लेना, मैया सब बता देगी। अभी विश्राम कर। कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गयो? आप भी तो उड़ गई मैया, इतनी सी कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया अब मैं करता हूँ, इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करना है। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह, कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतलब सीख लियो। हाँ सप्ताह भर तक मथेगो तो थोड़ा बहुत माखन तो आ ही जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, छोटे से बालक का उपहास उड़ा के। अपना कार्य कर सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना फिर भी मैया की सहायता करने आ गया। ऐसे ही होते अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया अच्छा बालक किसे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे, जे कभी मत भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है।
का फल, मीठे मीठे फल, फल ले लो फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण, अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बड़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। यशोदा जी, ओ यशोदा जी, कहाँ चल दियो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आयो हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़िया मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ। मैया ने की, जो अच्छा बालक होता है बड़े बूढ़ों की सहायता करता है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो होवस हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? यशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा, बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? यशोदा जी, आओ सुलक्षणा, आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ मैया? मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था। यशोदा जी, मैं आपसे जी पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा जी? क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ, मिलेगा, क्यों ना मिलेगा, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप भी जाओगे चाची? मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ।
मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ, तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी, खाट बिछाओ, कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही है। जी, शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना? ना ना, वो सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगो। सहायता करूंगा मैया। है अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो। आज बहुत भ्रम हो रहा है, लगता है नारायण के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुढ़िया। मुझसे क्या करवा दिया, ये मुझसे क्या करवा लिया, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। हम
दो, कहां आ गया मैं? मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या कर दिया? प्राप्ति, ये क्या किया तुमने? उन्हें महाराज कंस से भेंट करनी थी, मैंने करवा दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम, पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने? फिर कभी कभी संदेह मत करना मुझ पर। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर इसकी दशा तो देखो, ये तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये ओहो, नन्ना सा काना मैया की सहायता कर रहे है? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ, हाँ देख के आ जा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला। यशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले चाहिए। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ, इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण इंद्राजी। नारायण नारायण बिराजी आप। कहिए क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गायों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारियों को बेचते हैं। पर बीते कछु दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते, हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम जे चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज, आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज, हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और जे चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी, आप धन्य हैं। नंदराज की जय। 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 आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा।
अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? यशोदा भाभी, तने किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? इतने चारे के बदले एक बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली यशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या कर तो है, तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों, आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है, अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है, सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस। कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज? और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, रात भर प्रयास करता रहा पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी, कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं? उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है और कंस के रहते
कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ चले लगो। महाराज, कंस के भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कप कपाना ये सिद्ध करता है कि तू कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी। वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई, मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। मित्र नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस? वहां मुझे सच्ची में फल चाहिए ना, कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थी मत कर दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने, अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। इतना सा है, कितनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए।
ये तो नंद भवन है ना? और तुम नंद जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्णा है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ? इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले, और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कहना कर क्या रो है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है काना, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारे ही ले लो, पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल लेती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है, और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयां देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ नौछावर कर दूँ इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, बाहर एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है, मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है, जे पाठ तो इसे सिखाना ही होगा। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले।